नमस्कार। आज हम प्रकाश का द्वितीय चैप्टर प्रारंभ करेंगे। प्रथम चैप्टर में हमने देखा था प्रकाश में कि प्रकाश क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, और उसके बाद हमने देखा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग सीखा था। आज हम इसका द्वितीय चैप्टर जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या इसके उपयोग होते हैं, इसके लिए आपने देखा होगा एक आवर्धक लेंस जो एक हैंडल में लगा होता है, उस लेंस को जब आप अपनी बुक अपनी पुस्तक के ऊपर रखते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें पुस्तक में जो हमारे अक्षर होते हैं उन अक्षरों की बनावट उस लेंस के माध्यम से आपको बड़ी दिखाई देती है। ऐसे ही आपने चश्मे में और भी कई यंत्रों में लेंसों को देखा है, तो आज हम लेंस समझेंगे और कितने प्रकार के होते हैं इसके संबंध में विस्तृत जानेंगे इस वीडियो के माध्यम। लेंस को हम परिभाषित करेंगे। पारदर्शक और समांगी माध्यम का वह भाग जो दो पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ हो लेंस कहलाता है। इसको यदि सरल परिभाषा में समझें तो दो गोली पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि कांच पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक उसी प्रकार से भी लेंस भी एक पारदर्शी माध्यम है। अब देखेंगे लेंस के प्रकार। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अब हम उत्तल लेंस के संबंध में समझेंगे। उत्तल लेंस, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, यह किरणों को एकत्रित अर्थात इकट्ठा करता है। इकट्ठे करने के कारण ही इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब ही होता है इकट्ठा या एकत्रित करना। उत्तल लेंस जो प्रकाश की किरणें जब इस लेंस पर आपतित होते हैं, अर्थात प्रकाश की किरणें जब इस पर आती हैं, तो आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इकट्ठा करने के कारण ही इसे लेंस कहते हैं। अब अवतल लेंस उत्तल लेंस से ठीक उल्टा अर्थात विपरीत होता है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, यह किरणों को फैलाता है। जबकि उत्तल लेंस किरणों को एकत्रित करता था, किंतु यह फैलाता है। इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। जब अवतल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो आपतित होने के पश्चात ये अपवर्तन के कारण मुख्य अक्ष से विभिन्न कोणों पर मुड़ जाती हैं और फैल जाती हैं। फैलने के कारण ही इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी का अर्थात मतलब होता है कि किरणों को फैलाना। अवतल लेंस किरणों को फैलाता है,
इसलिए अपसारी लेंस भी कहलाता है। इस प्रकार दो लेंस हमने उत्तल और अवतल लेंस के संबंध में जाना और समझा। अभी हमने लेंस के संबंध में अब हम पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश। अब देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो हमें श्वेत सफेद दिखाई देता है, तो क्या वास्तव में सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है अथवा रंगीन? ये श्वेत होता है अथवा रंगीन, अर्थात कई रंगों से मिलकर बना होता है। इसको जानने के लिए आज हम समझेंगे वर्णन विक्षेपण घटना। जैसा कि आप लोगों ने वर्षा के दिनों में बादलों में इंद्रधनुष बनते हुए देखा है, जिसमें आपको धनुष में सात रंगों से मिला हुआ एक धनुष आकार का रंगीन सुनहला और आकर्षक इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसको समझने के लिए भी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अर्थात श्वेत रंग का अपने अवयवी रंग में विभक्त होना। श्वेत रंग बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग से बना होता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस परिभाषा को अच्छे से समझने के लिए जब श्वेत प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की इस घटना को सर्वप्रथम आइज़क न्यूटन ने देखा था, अर्थात आइज़क न्यूटन ने सूर्य के श्वेत रंग को जब प्रिज्म से गुजारा तो उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ श्वेत रंग अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। सर आइज़क न्यूटन ने यह देखा कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे श्वेत पर्दे पर प्रकाश की रंगीन पट्टी बन जाती है। इस पट्टी का एक सिरा लाल और दूसरा सिरा बैंगनी दिखाई देता है तथा इनके बीच में असंख्य रंग बिखरे हुए दिखते हैं, किंतु हमारे लिए केवल कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। शेष रंग जिनके हम नाम भी नहीं जानते, सामान्यतः इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। कुछ मुख्य रंग ही हमें दिखाई देते हैं। कुछ मुख्य रंग इस क्रम में दिखाई देते हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग। इन रंगों को एक क्रम में याद रखने के लिए इन रंगों के प्रथम अक्षरों को लेकर के एक शब्द बनाया जाता है, जिससे बै जा नी हा पीना ला के नाम से जाना जाता है, अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। अतः
जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों के किरणों में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन भिन्न भिन्न होता है। अतः प्रत्येक रंग अलग अलग विचलन के साथ बाहर निकलती है। लाल रंग की किरण में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश की किरण में सबसे अधिक होता है। अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल और बैंगनी किरणों के बीच में होता है। अतः हमें सबसे ऊपर लाल तथा नीचे बैंगनी रंग दिखाई देता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। न्यूटन की डिक्स। आइज़क न्यूटन ने एक डिक्स बनाई जिसको हम यहाँ समझेंगे। अभी हमने पढ़ा कि वर्ण विक्षेपण घटना में श्वेत रंग अपने अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या आपने सोचा कि यदि इन सात रंगों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा? जब हम इन सात रंगों को आपस में मिला देंगे तो हमें केवल एक ही रंग अर्थात श्वेत रंग दिखाई देगा। वे सात रंग श्वेत रंग में बदल जाते हैं। न्यूटन डिक्स जो कि सात रंगों से बनी हुई एक डिक्स है, जब हम इसे तेजी से किसी मोटर के द्वारा घुमाते हैं तो हमें केवल एक ही रंग अर्थात श्वेत रंग दिखाई देता है। सात रंग श्वेत रंगों से मिलकर के बना होता है।